हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट एल बाई सी हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो जो अंडर रूट एल बाई सी है, इसकी डायमेंशन क्या होगी या किसके बराबर होगी? तो ऑप्शन आपके हैं टाइम, एंड सेकेंड इज कैपेसिटेंस, थर्ड इंडक्टेंस, एंड फोर्थ आपको क्या है, रेजिस्टेंस। तो इस चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो देखिए, इसमें जो यल है वह आपका इंडक्टेंस है, ठीक है, और जो सी है वह आपका कैपेसिटेंस है। तो इसमें से दो ऑप्शन आपके वैसे बी और सी वाले जो हैं यह वैसे ही नेगलेक्ट, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंडर रूट यल बाई सी है, तो यह दोनों अकेले नहीं हो सकते हैं, तो फिर यह बी ख़त्म हो जाएगा और सी ख़त्म हो जाएगा। आपके पास अब दो ऑप्शन बचा, एक बचा रेजिस्टेंस एंड एक बचा टाइम। तो टाइम होगा या तो रेजिस्टेंस होगा, सिर्फ दो ऑप्शन है आपको इसमें से चूज करना है। तो अंडर रूट एल बाई सी जो होता है, या पावर सिस्टम में इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट एल बाई सी, आपको डायरेक्ट मिल गया। अब देखिए, इम्पीडेंस बोला जाता है इसको, तो इम्पीडेंस के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वह होती है ओम। तो इसलिए अंडर रूट एल बाई सी जो होगा, उसकी डायमेंशन जो होगी वह रेजिस्टेंस के बराबर होगी, यानी इसको हम रेजिस्टेंस की यूनिट के बराबर मानेंगे, क्योंकि यह कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है और रेजिस्टेंस दोनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा आपका रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल ए बी फॉर द सर्किट इज। अब देखिए, आपके पास ये सर्किट दी हुई है। अब इस सर्किट में आपसे पूछ रहा है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें, तो क्या होगा? अब देखिए, थेवेनिन जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी कि अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो होंगे, या तो करेंट सोर्स होगा या फिर वोल्टेज सोर्स होगा। तो वोल्टेज सोर्स जो होगा, अगर मान लो आपके पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है सर्किट में, तो उसको हम करते हैं शॉर्ट, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट। अगर आपके पास करंट सोर्स लगा हुआ है तो उसको हम करते हैं ओपन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उस कंडीशन में सर्किट में जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे हों, जैसे कि वोल्टेज और करंट, तो इनको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, इनके मान को जीरो करेंगे। तो करंट सोर्स के मान को जीरो करने के लिए उसको ओपन सर्किट किया जाता है, जबकि वोल्टेज सोर्स के मान को जीरो करने के लिए उसको शॉर्ट किया जाता है। तो जो भी वोल्टेज सोर्स लगा होगा उसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और जो भी करंट सोर्स लगा होगा उसे हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और जो वोल्टेज लगा होगा उसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी ये वोल्टेज सोर्स एक वोल्ट का लगा हुआ है, तो यह क्या होगा हमारा, ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो गया पूरा, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो लगा हुआ है इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें सिर्फ इस ब्रांच से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप सिर्फ इसमें देखो कितना रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, तो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 1 किलो ओम ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, वही थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको ये टॉप, मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और जो करंट सोर्स है उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप आराम से फाइंड कर सकते हो थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है और थेवेनिन वोल्टेज कैसे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। यानी कौन सा ऐसा ब्रिज है जो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेज़र करता है और पावर फैक्टर ऑफ ए कैपेसिटर्स को मेज़र करता है। तो जनरली ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, पिछली बार भी, मतलब पिछले भी, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस मेज़र करने के लिए हम कौन सा ब्रिज यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेयरिंग ब्रिज। कैपेसिटर हो, कैपेसिटर का पावर फैक्टर हो, या डाइलेक्ट्रिक लॉस हो, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शेयरिंग ब्रिज। डिसर्टी ब्रिज जो होता है यह कंपेयर करने के लिए यूज होता है दो कैपेसिटर के कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं डिसर्टी ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज जो होता है वह अननोन
इंडक्टेंस को मेजर करता है, अननोन इंडक्टेंस को मेजर करता है, ठीक है, जिसमें से इंडरसन ब्रिज जो होता है ये ज़्यादा सुटेबल होता है अननोन इंडक्टेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो आपको इसका आंसर जो है वह शेयरिंग ब्रिज है। डिसौटी ब्रिज आप जान जाओ कि दो कैपेसिटर के कंपैरिजन के लिए होता है, और मैक्सवेल और एंडरसन ब्रिज जो होते हैं अननोन इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, और जो सबसे अच्छा होता है वो होता है एंडरसन ब्रिज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इट कैन बी स्टेट दैट्स। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इट कैन बी स्टेट दैट, तो आपको ऑप्शन चारों पढ़ने पड़ेंगे कि चारों ऑप्शन में कह क्या रहा है। कह रहा है सिटी ऑपरेट एट ऑलमोस्ट द सेम फ्लक्स डेंसिटी एज ए पीटी। क्या सिटी जो ऑपरेट होता है उसकी फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वह सेम होती है पीटी के, या फिर सिटी ऑपरेट विथ ए हायर फ्लक्स डेंसिटी देन ए पीटी। तो सिटी जो ऑपरेट होता हुआ उसकी फ्लक्स डेंसिटी हाई होती है कंपैरिजन टू पीटी, या सिटी ऑपरेट विथ कंसिडरी लोअर फ्लक्स डेंसिटी देन ए पीटी। तो सिटी जो ऑपरेट होता है उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वह पीटी की तुलना में कम होती है, या नो जनरलाइजेशन कैन बी मेड विथ रिगार्ड टू फ्लक्स डेंसिटी इन सिटी एंड पीटी, यानी इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको देना है, जब भी ऐसा दो तो आप चारों ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन में से आपको जो अच्छा लगे, मतलब जो लगे कि हाँ ये वाला सही है तो फिर उस पे टिक लगाओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो आप भी देखिए ध्यान से। अब देखिए सीटी जो होता है, सीटी मतलब करेंट ट्रांसफार्मर, एंड पीटी जो होता है वह होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सीटी हमारा जो होता है वह होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, जबकि पीटी जो होता है हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। अब देखो यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा, अगर सीटी आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर आपका है तो इसकी जो प्राइमरी में जो वोल्टेज होगा वह कम होगा, और जो सेकेंडरी में वोल्टेज होगा वह क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वी वन इज ग्रेटर देन वी टू होगा, जबकि पीटी में वी वन इज लेस देन वी टू होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसमें जो है सीटी में वह होगा वी वन इज लेस देन वी टू, ये सीटी के केस में होगा, जबकि पीटी के केस में आपका होगा वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, ठीक है, पीटी के केस में, क्योंकि पीटी जो आपका है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और स्टेप डाउन में जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वह लो मिलेगा, और सीटी जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है तो जो वी वन होगा वह सेकेंडरी से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब देखिए जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वह वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, वह वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए इसमें जो प्राइमरी साइड का है यह वोल्टेज सेकेंडरी साइड से क्या है, कम है, और यह जो इसमें यानी पीटी में जो प्राइमरी वोल्टेज है वह सेकेंडरी वोल्टेज से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो सीटी का जो प्राइमरी वोल्टेज होगा वह पीटी के प्राइमरी वोल्टेज से कम होगा। अगर पीटी के प्राइमरी वोल्टेज से कम है तो हमें ट्रांसफार्मर का वोल्टेज वाला फॉर्मूला पता होगा 4.44φFT, और फाई की जगह हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए, या ये जो बी आपका है यही क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, तो वी प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी के, यानी वी प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स डेंसिटी के। तो अगर वी आपका ज़्यादा होगा तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वी आपका कम है तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो सीटी का जो प्राइमरी वोल्टेज है वह क्या है, कम है, और जो पीटी का प्राइमरी वोल्टेज है वह क्या है, ज़्यादा है। तो हमें ऑपरेट करवाना है, तो ऑपरेट करवाने के लिए हमें सीटी में कम वोल्टेज चाहिए होता है, जबकि पीटी में अधिक वोल्टेज चाहिए होता है। सीटी में कम वोल्टेज का मतलब उसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जबकि पीटी में अधिक वोल्टेज चाहिए तो उसका जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वह क्या होगी, अधिक होगी। क्यों अधिक हो रही, क्योंकि हमें पता चल गया कि वी प्रोपोर्शनल होता है वी, यानी कि जो वोल्टेज होता है वह प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी के। तो उसके हिसाब से देखें तो सीटी का जो ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी है वह कम होगी, जबकि पीटी का ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी जो होगी वह क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर होगा सी, सीटी ऑपरेट विथ कंसिडरेबली लोअर फ्लक्स डेंसिटी देन ए पीटी, यानी सीटी का जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वह लो होगा कंपेरिजन टू पीटी। तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर रखना होगा। अगर ये देखो ऑपरेट पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऑपरेट जो मतलब ऑप्शन दिए हैं सारे ऑपरेट दिए हैं, लेकिन अगर आउटपुट की बात होगी जब भी सेकेंडरी साइड की हम बात करेंगे या आउटपुट की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में
जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वह सीटी की अधिक होगी जबकि पीटी का क्या होगी कम होगी। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब ऑपरेशन की बात किया जाए, ऑपरेट होने की बात किया जाए तो उस टाइम पे हम प्राइमरी की बात करेंगे, जब आउटपुट की बात करेंगे तो हम सेकेंडरी साइड की बात करेंगे, और उस टाइम पे हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी सीटी का होगा वह क्या होगा अधिक हो जाएगा और जो पीटी का होगा वह कम हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के केस में सीटी की फ्लक्स डेंसिटी कम होगी और पीटी की जो फ्लक्स डेंसिटी होगी वह क्या होगी, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर कपल्ड। अब देखिए डड करके बीच में डैश आपको दिया है, तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर के होते हैं वह कैसे कपल्ड होते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्हें मेंशन नहीं किया है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करें तो इसका जो आंसर होता है वो होता है मैग्नेटिकली। देखिए क्यों, ये आपका ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है, बीच में एक कोर बनी हुई है, ठीक है, तो इधर हम सप्लाई देते हैं, यहाँ फ्लक्स डेवलप होता है, यह फ्लक्स आपका मतलब कि घूमता है, तो इस फ्लक्स के कारण इस सेकेंडरी में भी क्या जनरेट हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। तो यह जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं यह कनेक्ट होते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दे देता कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्ट होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो कनेक्ट होगा वह इलेक्ट्रिकली भी कनेक्ट होता है एंड मैग्नेटिकली भी मतलब कि कनेक्ट होता है। तो इसमें दिया नहीं है, तो वैसे भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब पूछ दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा मैग्नेटिकली, ठीक है। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर देता तो वहाँ पे जो आंसर बनता वो होता है इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली। तो एक ट्रांसफार्मर, कभी कभी एक क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है उसके बीच का रेजिस्टेंस कितना है, तो देखो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, वह हमेशा इनफाइनाइट होगा। क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि वह दूसरे एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है। जब कोई भी सर्किट एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होता है तो उसको ओपन सर्किट माना जाता है। तो जब ओपन सर्किट माना जाएगा तो ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वह कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यह क्या है, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ द डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ओवर ए सिंगल केज रोटर इज दैट इज। अब देखिए जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम दो तरह का रोटर यूज करते हैं, एक होता है कि फेज वाउंड रोटर एंड स्क्वायरल केज रोटर। तो स्क्वायरल केज रोटर जो होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है डबल केज, एक होता है सिंगल केज। तो डबल केज और सिंगल केज में डिफरेंस क्या है, तो डबल केज में क्या है कि उसका स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, ये डबल केज में बात होती है। जबकि सिंगल केज में जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वह उसकी तुलना में लो होता है डबल केज वाले की। तो जब स्टार्टिंग रेजिस्टेंस आपका हाई होगा तो उस टाइम पे जो टॉर्क होता है वह होता है हमारा K∅SE2R2/X2, यानी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है हमारा टॉर्क। अगर टॉर्क हमारा अधिक कब होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। तो डबल स्क्वायरल केज में जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण टॉर्क भी क्या मिलता है, अधिक मिलता है। जबकि सिंगल केज रोटर में ऐसा नहीं होता, उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कम होता है तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कंपेरिजन टू डबल स्क्वायरल केज क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए डबल केज स्क्वायरल केज मतलब जो डबल स्क्वायरल केज रोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वह अधिक होता है। ऑप्शन में अगर ये है, देखते हैं, इफिशियंसी इज हाइयर, पावर फैक्टर इज हाइयर, स्लिप इज हाइयर, स्टार्टिंग करंट इज लोअर, तो इसमें टॉर्क का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा। अब रेजिस्टेंस आपका स्टार्टिंग में अधिक है तो हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस अधिक होगा तो आर बड़ा होता है V/I, यानी आर अगर अधिक है तो आई हमारा क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब स्टार्टिंग करंट जो होगी वह क्या होगी, लोअर होगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग करंट हो वह क्या हो, कम हो। हम DC मशीन में क्या यूज करते हैं, स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार्टर का काम क्या होता है, मतलब कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है या फिर स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम कर देता है। उसी तरह से डबल केज स्क्वायरल मतलब डबल स्क्वायरल केज रोटर जो होता है वह स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो हाई रेजिस्टेंस के कारण जो स्टार्टिंग करंट होती है वह क्या होगी, लो होती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको टॉर्क इंक्रीज है, यानी टॉर्क हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, तो उसके लिए हम
जो ऑप्शन चूज करते हैं वह होता है स्टार्टिंग टॉर्क इज हाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, स्टार्टिंग करंट जो होगी वह क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको एकदम समझ जाइए। लेकिन जब रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो स्क्वायरल केज रोटर की जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है, लो हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फॉर ए पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिग्रीज, यानी एक मशीन है उस पी पोल के लिए उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री तथा मैकेनिकल डिग्री के लिए रिलेशन क्या होता है। तो आप एक चीज़ जानो, जैसे कोई भी मशीन है उसमें एक पोल आपने बनाया हुआ है, ठीक, तो एक पोल के लिए जो थीटा मैकेनिकल होता है एक पोल से दूसरे पोल के लिए, जैसे एक पोल और आपने बनाया हुआ है, ठीक, एक पोल और आपने बनाया हुआ है, तो एक पोल से दूसरे पोल के लिए जो थीटा मैकेनिकल होता है वो होता है 360 डिग्री, और सिंगल पोल के लिए थीटा इलेक्ट्रिकल अगर आपसे पूछेगा तो वह कितना होता है, 360 डिग्री होता है सिंगल पोल के लिए। जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है कितना, किसी पार्टिकुलर एक पोल के लिए थीटा इलेक्ट्रिकल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू 2θ mechanical/P, ठीक है, 2θ electrical/ जो थीटा इलेक्ट्रिकल आपका होता है वह 2θ mechanical/P होता है। जैसे अगर थीटा मैकेनिकल आपका 360 डिग्री होता है ये हमें पता है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर हम जब भी करेंगे 2360 डिग्री/ पोल आपके पास कितना है, 2 है पोल, तो 2 पोल के लिए यह हमारा बन जाएगा 360 डिग्री। यानी अब देखिए 2 पोल अगर आपके पास है, एक पोल ए हमने बताया ना, एक पोल ए आपका है, एक पोल ए है, ठीक है, तो इन 2 पोलों के लिए जो थीटा इलेक्ट्रिकल होगा वह कितना होगा, 360 डिग्री होगा। पार्टिकुलर एक पोल के लिए अगर आपसे पूछे, एक पोल के लिए तो पी का मान हम एक रख देंगे, तो थीटा मैकेनिकल 360 है और यह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। यानी पार्टिकुलर एक पोल के लिए अगर आपसे पूछे थीटा इलेक्ट्रिकल तो वह होगा 720 डिग्री, जबकि 2 पोल के लिए जो हमारा थीटा इलेक्ट्रिकल होगा वह 360 डिग्री होगा। क्लियर, देखिए अब देखिए नेक्स्ट है द रोटर यूज इन अल्टरनेटर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हम कौन सा रोटर यूज करते हैं, क्या वो सिलेंड्रिकल होता है, सैलियंट पोल या नॉन सैलियंट पोल रोटर, राउंड रोटर विथ है एसी एक्साइटेशन। तो देखिए तो अल्टरनेटर में जो पहली बात तो ये थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा, राउंड रोटर जो होता है विथ एसी एक्साइटेशन, नहीं ये तो गलत है, एसी एक्साइटेशन हम देते ही नहीं, उसमें कौन सा एक्साइटेशन, डीसी एक्साइटेशन देते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। तो बच्चे आपके पास तीन ऑप्शन, तीन ऑप्शन में है सिलेंड्रिकल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर एंड नॉन सैलिएंट पोल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर एंड नॉन सैलिएंट पोल रोटर जो होता है या सेम एक ही रोटर होता है, तो यह दोनों भी गलत हो जाए क्योंकि एक ऑप्शन में ऐसा नहीं है कोई कि ए एंड सी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका सैलिएंट पोल रोटर, और सैलिएंट पोल रोटर जो होता है इसकी स्पीड जो होती है थोड़ा कम होती है, स्पीड लो होती है, और इसका एक्सियल लेंथ जो होती है वह भी लो होती है, और इसका डाया जो होता है वह क्या होता है, लार्ज होता है। इसका डाया जो होगा वह कैसा होता है, लार्ज होता है। तो आपको किसी भी रोटर के बारे में तीन प्रॉपर्टी हमेशा पता होना चाहिए कि वह रोटर जो होगा उसकी स्पीड हाई होगी कि लो। तो जो आपका सैलिएंट पोल रोटर होता है उसकी स्पीड क्या होती है, लो होती है, और उसका जो एक्सियल लेंथ यानी जो लेंथ होगी वह ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वह लो होगी, स्मॉल लेंथ का होगा, ठीक है, लो नहीं, इसको स्मॉल बोल देना, ठीक है। उसके बाद जो डाया होगा, डाया को हम बोलेंगे वह लार्ज होगा, यानी डाया उसका जो मतलब कि एरिया होगा वह क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी तरह नॉन सैलिएंट पोल इसका बिल्कुल डिफरेंट होगा, यानी उसकी स्पीड जो होगी वह क्या होगी, हाई होगी, एक्सेल लेंथ उसका लार्ज होगा, और उसकी डाया जो होगी वह क्या होगी, मतलब स्मॉल होगी, कम होगी, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा ये तीन प्रॉपर्टीज हमेशा एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो सैलिएंट पोल और नॉन सैलिएंट पोल दोनों का याद रखना। ये जो प्रॉपर्टी है स्पीड लो, एक्सेल लेंथ लो मतलब कि स्मॉल एंड डाया लार्ज, यह होता हमारा सैलिएंट पोल रोटर के लिए। इसका एकदम उल्टा कर दो वो हमें मिल जाएगा नॉन सैलिएंट पोल या फिर सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ ए केबल इंक्रीजेज इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंसेज। अब देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, जबकि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी आर बराबर रो अपॉन 2πLLnR/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी हो गई अपॉन 2πL
ln मतलब log r अपान r, यह जो r है यह एक्सटर्नल डाया है किसी केबल का, और यह जो है r आपका स्मॉल r यह इंटरनल डाया है किसी मतलब केबल के लिए। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह एंटी प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ के, यानी जो इसको dr से हमने डिनोट किया है तो 1/l, यानी कि इसका जो इम्पिडेंस वो सॉरी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता हुआ लंबाई के आपके एंटी मतलब कि एंटी प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब लंबाई आप बढ़ाओगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अगर आप लंबाई घटाओगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या कर रहे हैं हम, इफ़ द लेंथ ऑफ ए केबल इंक्रीज, हम लेंथ बढ़ा रहे हैं लाइन मतलब उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वह एंटी प्रोपोर्शनल होता है हमारा लेंथ के। तो लेंथ हम बढ़ाएंगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा, और लेंथ घटाएंगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू